हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सावित्री बाई फूले, इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर। इनके बारे में उन सभी महिलाओं, उन सभी लड़कियों के लिए है और समाज के उस तबके के लिए भी है जहां पर शिक्षा से वंचित लोगों को एक उम्मीद, एक किरण दिखाने वाली महिला। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, एक लंबे घूंघट में रहना पड़ रहा है, वहां पे शिक्षा की पहल करने वाली जो पहली महिला है वो है आपकी सावित्री बाई फूले। इन्होंने, इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने शुरुआत की अपनी शिक्षा की। पहले इन्होंने खुद थोड़ा सा पढ़ा, 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने घर घर जाकर अपने पति के सहयोग से, उनकी सहायता से घर घर जाकर महिलाओं को वो पढ़ाया, है ना, उनको शिक्षित किया, उनको एम्पावर करने का क्रेडिट जाता है। आज हम जिस समाज में रहते हैं जहाँ महिलाएं भारत के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, भारत के बाहर भी अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो इसका एक क्रेडिट हमारी तरफ से किसको जाता है? सावित्री बाई फूले को भी जाता है। समाज में महिलाओं के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसमें आप नाम सुनते होंगे भीमराव अंबेडकर जी का भी, है ना। समाज में बहुत सारे, जब आपका नेशनल मूवमेंट चल रहा था जहां हम ब्रिटिशों से आज़ादी चाह रहे थे, वहीं हम हमारे समाज में ऐसी जो आइडियोलॉजी है जहां पर महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, ना बोलने की, ना कहीं जाने की, ना कोई काम करने की, वहां पर बहुत उस समाज में, उस जगह पर आप देखेंगे कि उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे थे। तो उसी तरफ कुछ लोग थे जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक काम कर रहे थे, इनके द्वारा शिक्षित किया गया। धीमे धीमे आप देखोगे कि यहाँ पर पहली यूनिवर्सिटी, है ना, महिलाओं के लिए पहली यूनिवर्सिटी भी कहाँ बनी है, महाराष्ट्र में ओपन की गई है। तो आज इनकी पुण्यतिथि है और इसलिए हम इनको आज याद कर रहे हैं और थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें समाज में उस जगह लाके अपनी अपनी बात कहने का और अपने हक के लिए लड़ने के लिए उम्मीद देने के लिए। थैंक यू सो मच सावित्री बाई फूले, थैंक यू सो मच।